राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिला अध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने वकीलों पर हो रहे जानलेवा हमलों का विरोध करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को वकीलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने हेतु ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रवीण पांडे, रविंद्र नंदनवार, सुनील लवहात्रे, विजय विश्वकर्मा, अजहर पटेल, आकाश शर्मा, हनी खेत्रपाल, हरीश तिवारी, मुन्ना यादव उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज नागपुर। नमस्कार, मैं अमित दुबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया से जिला अध्यक्ष। आज मैं और हमारी टीम, हम सभी ने और नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने का कारण यह है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए न्यायालय परिसर में विशेष इंतजाम करने हेतु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से दो तीन दिन पहले एक वकील योगिता मुंड करके एक वकील है, महिला वकील है, महिला वकील पे कुछ एक आरोपी ने प्राणघातक हमला किया है, जानलेवा हमला किया है चाकू से, जिसका हम सभी ने निषेध किया है। और जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि वकील आम जनता और सभी के बीच की कड़ी होती है। जैसा कि हम एक व्यापारी है, जैसे कि हमारा एक कॉलेज है, जैसे कि छोटे मोटे किसी पे कुछ केसेस रहते हैं, तो उस सबकी जिम्मेदारी एक वकील की होती है। हम वकील के सहारे उन्हें हमें न्याय मिलने में मदद होती है। और यदि वकील ही हमारा सुरक्षित नहीं है तो हमें न्याय कौन दिलाएगा। और इस बात का हम कड़क निषेध करते हैं, विरोध करते हैं कि यदि वकीलों पे हमला होता है और वकील के जान को खतरा होता है, तो न्याय प्रणाली पे उंगलियां उठना वाजिब है। जैसा कि कोर्ट प्रीमिसस में यदि एक वकील पे हमला होता है तो पुलिस कहाँ गई उसमें? तो ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने हेतु आज हमने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार साहब को ज्ञापन दिया है।